हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पटना समेत आधा दर्जन जिलों में फिर से लागू हुआ लॉकडाउन। पूर्वी व पश्चिम चंपारण में सख्ती बरतने के खास निर्देश। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार के कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। पटना जिले में डीएम कुमार रवि ने 10 से 16 जुलाई तक 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बक्सर, नवादा, भागलपुर, कैमूर और किशनगंज जिलों में भी फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में दुकानें खोलने के संबंध में नया निर्देश जारी करते हुए सख्ती बरतने का ऐलान किया गया है। बक्सर व नवादा जिले में 10 से 12 जुलाई तक 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि पटना में लॉकडाउन 7 दिनों का होगा। कैमूर में भभुआ व मोहनिया में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं भागलपुर में 9 से 16 जुलाई तक भागलपुर, सुल्तानगंज, नवगछिया व कहलगांव शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। मंगलवार को भागलपुर जिला प्रशासन ने 13 जुलाई तक इसे प्रभावी किया था, लेकिन बुधवार को इसकी अवधि 3 दिन और बढ़ा दी है। पूर्वी चंपारण जिले में सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। ऑटो और अन्य छोटे सार्वजनिक वाहनों का परिचालन भी सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही होगा। दवा, दूध, सब्जी, अस्पताल को छोड़कर बाकी दुकानें रविवार व गुरुवार को बंद रहेंगी। निजी वाहनों के उपयोग की अनुमति सुबह 6 से रात 8 बजे तक होगी। वहीं पश्चिम चंपारण जिले में 9 जुलाई से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अगले आदेश तक सभी दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ही खुली रहेंगी। मंगलवार को राज्य सरकार के गृह विभाग ने तमाम जिलों के डीएम को स्थिति के अनुसार आवश्यक प्रतिबंध करने का अधिकार सौंपा था। उसके बाद ये कड़े निर्णय लिए गए हैं। कोरोना का संक्रमण बिहार में तेजी से फैल रहा है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुँचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा।